नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पैथलैब चैनल, मेरा नाम है मनीष कुमार। तो आप लोग अच्छे होंगे, वीडियो काफ़ी दिन में डाल रहे हैं, कुछ इशू था उसकी वजह से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको डेंगू के लिए कौन सा टेस्ट कराना है। एक दो वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, लेकिन मैं आपको अभी जो, क्योंकि डेंगू का सीजन चल रहा है, काफ़ी लोगों को फीवर आ रहा है, उसके डेंगू से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे। तो वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उन जो क्वेश्चन है उनके भी आंसर दें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बात करेंगे कि डेंगू का आपको जो करंट में अभी फीवर चल रहा है, तो मोस्टली डेंगू फीवर ही आ रहा है, क्योंकि इस टाइम मलेरिया अभी बहुत कम है। तो डेंगू के लिए आपको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। तो आप लोग चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, काफ़ी सारी वीडियोस हैं ब्लड टेस्ट से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, टेस्टों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि डेंगू जो है फीवर जब आपको आ रहा है, तो उस टाइम आपको डॉक्टर एडवाइज करता है। डेंगू के पहले बता देता हूँ लक्षण क्या क्या होते हैं। देखिए, आप वैसे तो अगर आपको डेंगू हो गया तो लक्षण काफ़ी 3-4 दिन बाद पता चलते हैं। आपको जो है हाई ग्रेड फीवर आएगा, आपके जो पूरा शरीर है उसमें इचिंग हो जाएगी, आपके पैरों में इचिंग हो जाएगी, आपको वोमिटिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, आपके लीवर पे हो सकता है स्वेलिंग आ जाए। तो ये जो है डेंगू के कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो प्लेटलेट्स जो है उसमें डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि डेंगू के साथ साथ आप प्लेटलेट रेगुलर अपना जो है चेक कराते रहें, क्योंकि जो डेंगू है उसकी वजह से प्लेटलेट जो है वो ज़्यादा टूटती हैं। और कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि कल जो प्लेटलेट्स थी वो 2 लाख थी और आज 1 लाख से भी नीचे। देखिए, इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि डेंगू का वायरस जैसे ही हमारे ब्लड में जाता है, तो वो सबसे पहले जो हमारी प्लेटलेट्स हैं वो उनको डैमेज करता है। इस वजह से हमारी जो प्लेटलेट्स हैं वो टूट जाती हैं। काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि जो मेरे पेरेंट्स की प्लेटलेट इतनी कम हो गई है, इतनी कम हो गई, हमें क्या करना चाहिए। देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं। जब तक आपका पेशेंट जो है स्टेबल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको वॉमिटिंग नहीं है, इचिंग नहीं है, फीवर नॉर्मल फीवर, सबसे प्लेटलेट अगर डाउन हो जाती है, उसमें खतरे वाली बात जब होती है, तब पेशेंट को अगर, देखिए आप उसका अल्ट्रासाउंड कराइए, एक्सरे कराइए, अगर उसको फ्लूड बन रहा है या कुछ क्लॉट्स बन रहे हैं तो प्रॉब्लम है, या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, जैसे मुंह से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, तो इस केस में आपको थोड़ा सा इसको सीरियस लेना है। बाकी अगर पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है तो प्लेटलेट चाहे आपकी 15,000 हो, 20,000 हो, 10,000 हो, कोई इशू नहीं है। पेशेंट जब तक खा पी रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, उसको टेंशन फ्री रखें, वो प्लेटलेट्स जो है अपने आप रिकवर हो जाती हैं बॉडी में। तो ये थोड़ा सा प्लेटलेट्स के बारे में बताया। तो मैं बता रहा था, टॉपिक पे आते हैं कि डेंगू का जो है आपको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। डेंगू फीवर NS1, देखिए इसमें 3 टेस्ट होते हैं, वो मैं आपको समझा दूँ। डेंगू NS1 यानी कि एंटीजन टेस्ट, 2 होते हैं एंटीबॉडी, IgG और IgM। IgG IgM का पॉजिटिव, जब आपको डेंगू होकर निकल चुका है तो आपके शरीर में डेंगू के जो है एंटीबॉडीज़ बने हैं या नहीं बने, वो चेक करने के लिए डेंगू एंटीबॉडीज़ होता है। तो सबसे पहले आपको अगर यही चेक करना है कि आपको डेंगू है या नहीं, तो आपको NS1 कराना है, जो आप ELISA मेथड से भी करा सकते हैं, कार्ड मेथड से भी कराते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, आप कैसे भी करा सकते हैं। लाल पैथलैब में आप जाते हैं तो आपको ELISA मेथड मिलेगा, यानी कि जिसमें रीडिंग आती है कि कितना जो है डेंगू का वायरस का जो रीडिंग है वो आया है ब्लड में। उसका जो टेस्ट कोड है S225, ये टेस्ट कोड है। सैंपल जो है इसका डेली 12 बजे से पहले आपका सैंपल डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगा, तो रिपोर्ट सेम डे, नहीं तो नेक्स्ट डे, ये इसका शेड्यूल है। सैंपल इसके लिए चाहिए ब्लड, एक SST ट्यूब चाहिए, इसको रूम टेम्परेचर पर 6 घंटे रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर पर 1 वीक रख सकते हैं, फ्रोजन करके 1 हफ्ते रख सकते हैं, लेकिन इतना टाइम आपको रखना नहीं है, इसको तुरंत कराएं, क्योंकि पेशेंट 1 हफ्ते के लिए वेट नहीं करेगा, 1 दिन के लिए भी उसके लिए काफ़ी भारी होता है वेट करना। इसका जो प्राइस है वो गवर्नमेंट प्राइस है, हमारे जो NCR या हरियाणा या राजस्थान ये सब जगह 600 रुपये का है NS1। IgG IgM कराते हैं तो वो अलग से 600-600 रुपये के, कई जगह आपके तीनों ही जो है 600 में हो जाते हैं, तो आपने जो जहाँ कम्फर्ट लगे आप वहाँ करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और प्रिकॉशन जो है इसके लिए कुछ नहीं है कि आपको फास्टिंग में कराना है, नॉन फास्टिंग आप कभी भी करा सकते हैं। इस टेस्ट को आप किसी भी टाइम जाके सैंपल दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रात भर आपको खाली पेट रहना है, सुबह कराना है, ऐसा कुछ इशू नहीं है, आप इसको कभी भी करा सकते हैं। तो ये था डेंगू टेस्ट के बारे में। तो आपको मैं दोबारा से रिपीट करूँ, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, अगर डेंगू फीवर है तो कोई इशू नहीं है, आपको हाई ग्रेड फीवर आएगा, फीवर चेक करता करना है कंटिन्यू, और जो आपके डॉक्टर जो है एडवाइज़ कर रहे हैं मेडिसिन, वो मेडिसिन आपको प्रॉपर वे में लेनी है, कि किस किस टाइम लेनी है, उसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। और
अपनी मर्जी से आप दवाइयाँ ना खाएं, क्योंकि दवाई आप अपनी मर्जी से ले लेते हैं तो उसमें एक भारी इशू है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको प्लेटलेट्स आपने आज चेक कराई हैं, आपको डेंगू पॉजिटिव और आप अपनी मर्जी से मेडिसिन खा रहे हैं, तो वो प्लेटलेट्स आधी रह जाएंगी कल ही, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो प्लेटलेट्स को साथ साथ में जो है डैमेज करती हैं डेंगू फीवर में, जिनसे ज़्यादा प्लेटलेट टूटती हैं। और कुछ लोगों का इशू था कि जो कंपेयर टू प्लेटलेट्स की इधर उधर वो वहाँ पे इतनी आ रही हैं और वहाँ पे, देखिए एक मशीन पे आप एक बार प्लेटलेट लगाओगे तो हो सकता है 70,000 आए, दूसरी बार लगाओगे तो हो सकता है 80,000 आए, तीसरी बार लगाओगे हो सकता है 60,000 आए। क्योंकि डेंगू में क्या है कि जो प्लेटलेट्स हैं कुछ उनका साइज़ कुछ का इंक्रीज़ हो जाता है, कुछ का डिक्रीज हो जाता है, तो वो जो मशीन काउंट्स करती है वो क्या है कि वो मशीन जो है एक लेज़र होता है उसमें, उसके हिसाब से काउंट करती है, जिसको चैम्बर बोलते हैं, वो एक रेडिएशन के हिसाब से जो साइज़ है उसके हिसाब से काउंट करती है, तो साइज़ बड़े छोटे हो जाते हैं उसको काउंट नहीं कर पाती है, कभी कर लेती है कभी नहीं। तो ये जो है एक्चुअल तो कहीं पर भी आपको कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि एक्चुअल प्लेटलेट्स इतनी सारी प्लेटलेट्स होती हैं, तो वो ऐसे काउंट करके आपको एक एक प्लेटलेट कोई नहीं बता पाएगा। एक आइडियल होती है कि इस हिसाब से इस कंडीशन में आपकी ये जो प्लेटलेट्स है इतनी चल रही हैं। तो ये था प्लेटलेट्स के बारे में, तो आप अपना जो प्लेटलेट्स है वो डेंगू के साथ ज़रूर कंटिन्यू डेली बेसिस पे चेक कराते रहें। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि किसी को हेल्प मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।